पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर वृद्ध महिला की हत्या करने वाले दो व्यक्तियों को इटावा पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल लाठी के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी संजय कुमार के परीक्षण में थाना उसराहार पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। 20 मई को सोनू पुत्र अमर सिंह एवं विनोद पुत्र बंसलाल ने पटवारी को लेकर मारपीट के दौरान राजबहादुर की माँ को समुद्री देवी को लाठी मार दी थी, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उपनिरीक्षक बेचैन कुमार सिंह, थानाध्यक्ष उसराहार एसआई मंगल सिंह ने दोनों हत्यारोपियों को चेकिंग के दौरान ग्राम नगला मामन स्थित रामलीला ग्राउंड के पास से मैं हथियार बरामद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी सोनू विनोद कुमार निवासी ग्राम नगला मामन थाना उसराहार इटावा को गिरफ्तार किया है। कल जैसा कि इटावा के उसराहार थाने में एक मारपीट परिवार में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक काफ़ी वृद्ध महिला थी, 65-70 साल की सामुद्री देवी, उनको चोट लग गई थी, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें दो लोग नामजद हुए थे, विनोद कुमार और सोनू, दोनों नामजद को आज गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें तत्काल गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर की गई है। निश्चित तौर से ये घटना बहुत ही खेदजनक थी, जिसमें पुलिस टीम को लगाया गया था और एसओ सरहार उनकी टीम द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको नियमानुसार उचित धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।